गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को जीएनएम की छात्राओं को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में नर्सिंग की 60 छात्राओं ने हाथों में कैंडल लेकर अपने कर्तव्य और निष्ठा की शपथ ली। प्राचार्य लोरिटा याकूब ने छात्राओं को शपथ दिलाकर कर्तव्य निष्ठा से सेवा का आह्वान किया। शपथ ग्रहण समारोह में जीएनएम और फिजियोथेरेपी की छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि समाज सेविका रीना त्रिपाठी के साथ महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राचार्य लोरिटा याकूब ने कहा, हम से भूले।
60 बच्चे किस चीज का कोर्स कर रहे हैं? GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो स्टाफ नर्स बनते हैं। जो कितने साल का था? 3 साल का। तो अभी आप शपथ दिलाई हैं इनको, आगे क्या फ्यूचर भविष्य के लिए क्या करें? भविष्य के लिए हमने सबको अपनी शुभकामनाएं दी हैं, बच्चे आगे जाएं, अच्छे से अपना काम परफॉर्म करें और जिस काम को करने आए हैं उसको ईमानदारी से करें, ताकि बाहर जाके हमारे नर्सेस का इमेज अच्छा हो और अच्छी तरह अपना प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ अपना अच्छे से बिताएं। क्योंकि अब नर्सिंग भी एज ए प्रोफेशन ले रहे हैं, अर्न कर रहे हैं बच्चे, तो उनका दोनों फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अच्छा होना चाहिए। और हम लोग की शुभकामनाएं यही है कि बच्चे सक्सेसफुली हर साल पास हुए और अच्छे से अपना काम करें। सेवा करते हैं तो सेवा, आजकल सेवा के साथ प्रोफेशन भी है, तो सेवा के साथ साथ प्रोफेशन अब जुड़ गया है, इसलिए बच्चों दोनों टारगेट को लेके चलते हैं। उनको ऐसा काम करना है ताकि उनका काम जो है वो प्रशंसा वाला हो, लोग उनकी तारीफ करें और कोई उनके काम में लेकिन ना निकले, और अपने प्रोफेशन को मान सम्मान बढ़ाएं वो लोग।